हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, ट्रेंड लिमिटेड की ओर से जून क्वार्टर की फिनांशियल रिजल्ट पेश हो चुका है, आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। और गाइस, कंपनी की ओर से अनऑडिटेड फिनांशियल रिजल्ट आउट हो चुका है स्टैंडर्ड ऑन कॉन्सोलिडेटेड का, जो कि कवर करेंगे। पहले कॉन्सोलिडेटेड रिजल्ट कवर करेंगे, करोड़ में नंबर्स दिए गए हैं। इनकम की बात करें तो इस बार का कंपनी इनकम जनरेट किया है, अगर देखा जाए तो 4150.4 करोड़ का, मार्च 24 में 3374 करोड़ का और जून 23 में 2680 करोड़ का इनकम है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है। एक्सपेंस 3704 करोड़ का, मार्च 24 में 3073 करोड़ का और जून 23 में 2494 करोड़ का एक्सपेंस हुआ था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया, लेकिन पिछले क्वार्टर में कंपनी को 576 करोड़ के एक्सेप्शनल आइटम्स में गेन हुआ था, इस बार वैसा कुछ नहीं हुआ, इसलिए गाइस प्रॉफिट में डाउन है। और यहाँ पे जो प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 501 करोड़ का, मार्च 24 में 919 करोड़ का, जून 23 में 212 करोड़ का प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में डाउन है, ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है। नेट प्रॉफिट 391 करोड़ का, मार्च 24 में 712 करोड़ का, जून 23 में 166 करोड़ का प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में डाउन है, ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है। ईपीएस कंपनी का है 392 रुपीज़ का, क्वार्टर ऑन क्वार्टर में डाउन है। ईपीएस कंपनी का अगर देखा जाए तो इस बार का ईपीएस पेश किया है कंपनी अराउंड 11.04 रुपीज़ का, क्वार्टर ऑन क्वार्टर में डाउन है, ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है। ऑपरेटिंग मार्जिन 10.24% का, प्रॉफिट मार्जिन 9.68% का, ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज का। भले क्वार्टर ऑन क्वार्टर की प्रॉफिट में डाउन है, बट कंपनी का ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज करता हुआ देखने को मिला है। अगर हम स्टैंडअलोन रिजल्ट्स को कवर करें तो कंपनी का इनकम है इस बार का 4037 करोड़ का, मार्च 24 में 3260 करोड़ का, जून 23 में 2586 करोड़ का इनकम है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है। एक्सपेंस 3588 करोड़ का, मार्च 24 में 2944 करोड़ का, जून 23 में 2393 करोड़ का एक्सपेंस हुआ था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 449 करोड़ का, मार्च 24 में 859 करोड़ का, जून 23 में 192 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में डाउन है, ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है। नेट प्रॉफिट 342 करोड़ का, मार्च 24 में 354 करोड़ का, जून 23 में 148 करोड़ का प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में डाउन है, ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है। ईपीएस कंपनी का अगर देखा जाए तो कंपनी का ईपीएस है 9.62 रुपीज़ का, क्वार्टर ऑन क्वार्टर में डाउन है, ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है। रिजल्ट कंपनी का ओवरऑल अगर देखा जाए तो गाइस कंपनी का जो रिजल्ट आया ना, अच्छे रिजल्ट पेश किया। भले क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट डाउन है, वो भी इसलिए क्योंकि एक्सेप्शनल आइटम्स पिछले क्वार्टर में गेन हुआ था, इस बार नहीं हुआ, इसलिए गाइस प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर में डाउन है। अगर हम शेयर की बात करें तो 6198 रुपीज़ पर ट्रेड कर रहा है, 10% का प्रॉफिट दिया, क्योंकि रिजल्ट आते ही कंपनी के शेयर में जंप हुआ। 5 डे में 16.9% का प्रॉफिट है, 1 मंथ से 10.8% का प्रॉफिट है, 6 मंथ से 64% का प्रॉफिट है। गाइस कंपनी 5 अगस्त को एक सपोर्ट दिया, लेकिन उसके बाद कंपनी सडन बूस्ट देखने को मिला, सडन बाउंस बैक किया, और इसलिए गाइस अभी इसमें एंट्री करना थोड़ा रिस्क होगा क्योंकि ओवर डाउट जोन में चल रहा है। अगर आप ऑलरेडी शेयर ले रखे हैं तो आप उसको कंटिन्यू कर सकते हो होल्ड। तो अब हम लोग जो है वीडियो कहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।